और पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। विपक्षी दल की बैठक, तो यहां पर बैठक शुरू हो चुकी है जिसमें शामिल हो चुके हैं, और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से राजीव कमल जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है और बैठक में कौन कौन से नेता, तमाम नेता जो यहां पर आए हुए हैं, क्या बैठक में बातें हो रही है और क्या चल रहा है, कौन कौन से नेता पहुंचे हुए, इस पर जानकारी लेंगे। तो राजीव कमल जी, जानकारी दे और हमें बताएं कि कौन कौन से विपक्षी दल के जो नेता है यहां पर शामिल हुए हैं। सभी नेता यहाँ पहुँच चुके हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यही एक निमार्ग है जहाँ मुख्यमंत्री आवास पर एक निमार्ग में जहाँ बैठक चल रही है और यही जनसंवाद केंद्र है। जनसंवाद में जहाँ बैठक तमाम विपक्षी पार्टी है उनकी बैठक चल रही है। यहाँ एक राहुल गांधी है, विपक्ष के 19 लगभग नेता है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और वो अंदर बैठक चल रही है। नीतीश कुमार ने संबोधन करके बैठक शुरुआत की थी और जो आपको तस्वीरें हमने जितने भी जो विपक्षी नेता है वो पहुंच चुके हैं, हेमंत सोरेन हो या अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो या कहला डी राजा हो, तेजस्वी यादव हो, खुद राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हो, ललन सिंह हो, मतलब जो नेता जो विपक्षी नेता के चेहरे हैं वो समाप्त यहाँ हैं। और जो बैठक चल रही है तकरीबन बैठक लगभग दो घंटे से ज्यादा चलने वाली है और बैठक के बाद जो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है चाहे मीडिया को बताया जाता है उसके बाद पता चले, लेकिन विपक्षी नेता को मजबूत करने के लिए बैठक पटना में आज चल रही है और इसको लेकर तमाम जो पार्टी के नेता है वो पटना पहुंचे हैं और यहाँ एक तरीके से पूरे मीडिया यहाँ पहुंची हुई है और अंदर बैठक में बातचीत चल रही है किस तरीके से शेयरिंग हो और जो भी चुनाव जहां लड़ेगा उस पे कोई दूसरा ना लड़े विपक्षी का। अगर मान लो कि अगर बंगाल में लड़ना हो तो बंगाल में एक ही पार्टी लड़े, मतलब अगर टीएमसी लड़ रही हो सीट पे तो टीएमसी ही लड़े, उस पे कांग्रेस साथ ना लड़े, मतलब ये जो उसमें निर्णय लिया जाएगा ये चर्चा विषय है कि सूत्रों के अनुसार कि अगर इसमें ये वन टू वन चर्चा हो रही है कि उसमें ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ऐसे ही मिनिमम प्रोग्राम बनाए जाएंगे कि हम अगर चुनाव तो बीजेपी को हराने के लिए किसी भी कीमत पर हम लोग अलग नहीं हो और एक साथ चुनाव लड़ेंगे और एक साथ जो हो सकता है कि किसी को सीट पर किसी के साथ कोई लड़ाई ना हो और सब मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश इसी को लेकर आज बैठक आपको साफ तौर पर बुलाई गई है और उसका बैठक को लेकर एक निर्णय लिया जाएगा और निर्णय के बाद चर्चा यहाँ बताया जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि साफ तौर पर कहा। लेकिन जो विपक्षी 2024 के लिए हो लेकर एक बड़ी बैठक ये जो चल रही है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ही 2024 के इसमें बहुत निर्णायक होने वाला है और इसको देखते हुए साफ तौर पर जो बीजेपी है वो भी खेमा एक तरीके कह रही है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जितने लोग चुनाव में आए हैं वो केवल अपनी हिडन एजेंडा को लेकर आए हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर पोस्टर पर चर्चा की गई कि अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए, फिर अरविंद केजरीवाल से एक आया कि उन्होंने अध्यादेश लेकर चर्चा को लेकर जिस तरीके से वो राज्यसभा में चाहते हैं कि हमें सपोर्ट किया जाए और जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि प्रशासनिक जो सेवा है वो दिल्ली प्रशासन के अधीन आवे लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश लेकर आई है उसको लेकर भी वो चाहते हैं कि इस बैठक में चर्चा हो और हमको पूरा सपोर्ट मिले और सपोर्ट राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मिले। अरविंद केजरीवाल का भी एक एजेंडा है कि वो चाहते हैं कि इस पर भी यहां चर्चा हो। अब देखना होगा कि अंदर चर्चा क्या चलती है, लेकिन इतना साफ तौर पर हम ये कहेंगे कि जो विपक्षी जो बैठक इतने दिन से नीतीश कुमार सब के दरवाजे गए, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो या राजा हो या स्टालिन के घर, चाहे तमाम जितने भी राज्य के विपक्ष जो गैर एनडीए है उनके घर पे वो गए, उनके ही राज्य में गए, वहाँ चर्चा की बात की और वो आज बैठक हो रही है। उमर अब्दुल्ला हो जम्मू कश्मीर से, मैं महबूबा मुफ्ती हूँ, ये अब जो नेता शरद पवार हो, खुद शरद पवार आपको तस्वीर में हमने दिखाया था इस तरह से बाहर निकले, अखिलेश यादव पहुंचे, मतलब जो राजीव आप मुझे सुन पा रहे हैं कितने दलों के वहाँ पे जो प्रमुख पहुंचे हुए हैं, कितने दलों के प्रमुख अभी पहुंचे हैं वहाँ पर हैं, ये खबर है कि 19 दलों के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ चर्चा उस पर चल रही है। बताया जा रहा है कि लालू यादव भी वहां पर मीटिंग में शामिल हुए हैं, जो विपक्ष की मीटिंग चल रही है, तो कब तक ये मीटिंग चलने की संभावना है और क्या कुछ निकल कर आएगा?
देखिए चर्चा है कि लगभग 3 बजे तक ये चलने की संभावना है और 3 बजे के बाद ही कोई फैसला अगर कोई आता है कि अगर में से बात करते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि जब भी नीतीश कुमार कहीं भी राज्य में जाते हैं किसी नेता प्रतिनिधि से बात करते हैं तो वो साफ तौर पर उनके बाद वो मीडिया से बात करते हैं कि हम विपक्ष के, हो सकता है कि बैठक के बाद एक पूरा संबोधन जो कहते हैं मिनिमम संबोधन सबके साथ एक सरकार के खड़े हो राहुल गांधी हो ममता बनर्जी हो नीतीश कुमार कोई एक जिसमें से एक बताएगा कि हम हमारे जो बैठक उसमें क्या चर्चा हुई वो अब 3 बजे के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या बाहर निकल गया है। तो क्या लगता है आपको इस बैठक के बाद कुछ फैसला निकल कर आएगा कि पीएम मोदी के विपक्ष में कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा विपक्ष से? देखिए प्रधानमंत्री के चेहरा को लेकर हमने जितने भी बातें की चाहे जितने नेताओं से बातें चर्चा की उस पर कोई भी कहने को तरीके से राजी नहीं है कि कौन होगा। हमने ये भी समर्थकों से जेएमएम के समर्थक हो चाहे अरविंद केजरीवाल के समर्थक हो लेकिन कोई भी समर्थक ये चाहता कि हमारा प्रधानमंत्री हो हमारा नेता प्रधानमंत्री हो ये किसी के ये नहीं कह सकता कि जो समर्थक है। लेकिन एक बात साफ है कि यहाँ प्रधानमंत्री को लेकर चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ ये हो रही है कि किस तरीके से बीजेपी को काउंटर करना है, बीजेपी को हरेक राज्यों में काउंटर करना है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं नेशनल पार्टी खुद कांग्रेस है वो भी कैसे काउंटर करेगी क्योंकि वो हरेक राज्यों में किसी ना किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ लड़ती है तो वो क्या करेगी अब तो देखना होगा कि साफ तौर पर देखना होगा कि क्या इसमें निकल आता है क्योंकि कांग्रेस भी बहुत जगह जैसे आप टीएमसी से बंगाल में लड़ रही है चाहे साउथ में बहुत सारे वहां के क्षेत्रीय पार्टी से लड़ स्टालिन से लड़ती है तो बहुत जगह भी कांग्रेस भी अब देखना होगा और जब ये बैठक हो जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि प्रधानमंत्री पद को लेकर अभी फिलहाल कोई उस पर चर्चा नहीं होगी, चर्चा केवल ये होगी कि कैसे चुनाव 2024 को लड़ना है उसके बाद जीतने के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा उस पर फैसला होगा। लेकिन अगर जैसे कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर अभी चर्चा नहीं हो रही है लेकिन जो विपक्ष है वो देख रही है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है ये देखना चाहती है, उसके इशारे पर भी वोट होता है। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ ये देखा जा रहा है किस सीट से कहाँ पे जो मजबूत है उसको वहाँ पर लड़ने दिया जाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बैठक कहीं विफल ना हो जाए कि अगर प्रधानमंत्री का चेहरा अगर आप नहीं दिखाते, क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा कोई दिखता नजर नहीं आ रहा है अभी। देखिए प्रधानमंत्री चेहरे की बात जो आप कहेंगे तो प्रधानमंत्री सभी पार्टियों में आपको दिखेगा, सब कोई कहेगा कि हम प्रधानमंत्री हैं। ममता बनर्जी खुद बंगाल में इतनी बड़ी पार्टी है तो वो भी प्रधानमंत्री, केजरीवाल खुद पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, शरद पवार भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है। लेकिन जो निकल के जो जदयू के जितने भी नेता हो चाहे बड़े नेता ललन सिंह हो या तमाम जितने भी नेता, वो साफ तौर पर उनका कहना है कि प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार कोई उम्मीदवार नहीं है और कोई अभी नहीं। उनका साफ तौर पर दुल्हा जब होता है क्योंकि इससे पहले भी कई बार सरकार बनी है जैसे वाई के गुजराल हो या बीपी सिंह हो या ऐसे तमाम कितने प्रधानमंत्री बने हो जो कोई पार्टी में नहीं थे लेकिन एक सब पार्टी के संयोग से ये लोग प्रधानमंत्री बने थे। तो ऐसे ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसे ही प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद है, कोई सब मिलकर एक प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन विपक्ष हमलावर है कि कोई दुल्हा नहीं है, दुल्हा की लड़ाई कैसे होगी क्योंकि इसमें तो कोई सब कोई बेचैन है कि हम प्रधानमंत्री बने, हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाए, हम बड़ी पार्टी है तो हम यहाँ करेंगे। नीतीश कुमार के पास कोई ऐसा जनाधार नहीं है, ये बीजेपी की तरफ से विपक्ष के तमाम जो कहना है कि इनके पास कुछ है नहीं। लेकिन नीतीश कुमार इतनी बेचैनी है कि वो चाहते हैं कि हमें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दे। विपक्ष का तो साफ तौर पर इस पर हमलावर है कि जो बैठक है इसमें कोई निर्णय नहीं हो जा रहा। इससे भी पहले चंद्रबाबू नायडू ने भी बैठक किया था, एक बहुत बड़ी कोशिश की थी लेकिन वो भी फेल हो गई थी। नीतीश कुमार के अब कितना ये बैठक कितना सफलता दिलाती है ये तो समय बताएगा कि 2024 में वो कैसे इन सबों को मना पाते हैं, एक साथ लड़ने के लिए एक सीट के लिए मना पाते हैं ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि जिस तरीके से ये बहुत बड़ा इवेंट हो गया है क्योंकि विपक्षी पार्टी जितने भी तमाम जो निर्णायक विपक्षी पार्टी हैं हर एक राज्य की वो यहाँ पहुंची हैं और ये एक बहुत बड़ा संदेश जरूर आपको आज जरूर मिलेगा, एक बात तो साफ है। यहाँ पर जो ये बैठक होने वाली थी इससे पहले
पोस्टर विवाद यहां पर छिड़ा हुआ था, पोस्टर यहां पर लगाए जा रहे थे तमाम जो है कि बीजेपी को लेकर के उखाड़ फेंकने की, यहां पर रथ यात्रा जिसे कहा गया था कि यहां पर आडवाणी को लेकर लगाया गया था उस तरीके से, अब 2024 में मोदी की रथ यात्रा को उखाड़ फेंकने को लेकर यहां पर पोस्टर बयानबाजी चल रहा था जिसको लेकर के बीजेपी भी एक्शन में है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए पोस्टर को लेकर पोस्टर वॉर शुरू तो है, क्योंकि एक तरफ कभी दिखाया जा रहा है कि पोस्टर में महंगाई, बेरोजगारी और तमाम ऐसे मुद्दे को लिया जा रहा है, रामायण से भी श्लोक लिखे जा रहे हैं और व्यंग किया जा रहा है पोस्टर पे, कभी इधर जब विष्णु भगवान को दिखाया जाता है और विष्णु भगवान के इतने अवतार को दिखा दिया जाता है, विपक्षी पार्टी के इतने अवतार हैं, मतलब कि जो पोस्टर वार है वो शुरू है, वो चल रहा है। इधर से कहा जा रहा है कि ये जो भी पार्टियां हैं ये केवल अपने एजेंडे को लेकर चल रही हैं और इनका कोई भी नहीं, कोई सेटिस्फाइड महागठबंधन कह रहा है तो कोई जनसेवक कह रहा है, तो पार्टी को लेकर जिसे बीजेपी और तमाम जो पार्टियां हैं जो हमलावर है एक दूसरे पर पोस्टर वार शुरू है और एक दूसरे को बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से तो ये भी कह दिया गया कि ये अच्छे उम्मीदवार अगर प्रधानमंत्री के तो अरविंद केजरीवाल है, उधर सपा पार्टी की तरफ से तो अखिलेश यादव हो गए, ममता बनर्जी हो गए। तो जो पोस्टर है पूरे पटना में एक तरीके से पोस्टर वॉर है और पोस्टर में तरह तरह के अपने अपने तरीके से दर्शाए गए हैं कि कौन किससे भारी पड़ रहा है, कौन किससे ज्यादा भारी है। ये जरूरी है, दिलचस्प आपको पूरे पोस्टर में, हमने पोस्टर की भी बहुत सारी स्टोरी हमने दिखाई है कि किस तरीके से एक दूसरे पर कटाक्ष किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जैसा कि आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो कहीं इसका फायदा बीजेपी को ना मिल जाए, क्योंकि इस तरीके से हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, तो क्या यहां पर वोट बैंक पर भी असर पड़ेगा इसका? देखिए प्रधानमंत्री पद के मन में तो सबके रहता है कि हम राजनीति पार्टी हैं तो हम बड़े उम्मीदवार हैं, केजरीवाल दो दो जगह अब उनके पार्टी मुख्यमंत्री रखी है और दो दो जगह क्या उनके राष्ट्रीय पार्टी हो गई है, खुद अरविंद केजरीवाल की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई, जदयू राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही है। तो एक तरीके से साफ है कि जब बड़ी पार्टी अपने आप को घोषित करती है कि हम अब राष्ट्रीय पार्टी है तो हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, जदयू भी अपने आप को पहले राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी तो वो भी राष्ट्रीय जनता दल भी चाहते थे कि हम, लालू प्रसाद एक टाइम पे चाहते थे कि हम भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने, प्रधानमंत्री बने, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। देखिए किसी की महत्वाकांक्षा देखिए छोटी नहीं होती है, बड़ी होती है, जो भी राजनीति में आता कोई सोचता है कि हम बहुत बड़े पद में मिल जाए, लेकिन यहाँ सब जनता के हाथ में है और जनता किसको चाहेगी 2024 में वो पता चल जाएगा। और 2024 में जिस तरीके से जो ये विपक्षी एकता के साथ है, जो लोग एक साथ नीतीश कुमार ने करने की कोशिश की है और वो रंग क्या लाती है वो तो समय बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ले आके नीतीश कुमार ने सबको बैठाया है, चर्चा हो रही है, चर्चा चल रही है, इसका क्या निकल के निचोड़ आएगा वो तो कुछ घंटों में नहीं हो सकता है कि पता चल जाए, या तो कुछ टाइम और लगेंगे, क्योंकि अगर वो ब्रीफ करना चाहे, कुछ बताना चाहे तो पता चलेगा, लेकिन जो प्रधान ये पूरी कायवाद है वो नीतीश कुमार ने की है और ये बड़ा बहुत बड़ा एक आपको कदम जरूर है एक नीतीश कुमार के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे।